कहते कि हमारा भी बुलंदशहर हरियाणा से कम नहीं है, ऐसा ना कह सकते हो? इट वाज अ ग्रेट मूवी। उनकी फनी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फेवरेट तो नहीं है, खैर लिस्ट में आते हैं फेवरेट की। तो गिफ्ट में क्या क्या दिया था बहनों को? कैश भी दिया है और गिफ्ट्स भी दिए हैं, चॉकलेट्स दिए हैं। अच्छा, ये भैया झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं बताना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। इन्होंने चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने इनको दिया है। और मूवी के टिकट्स किसने दिए? भाई लोगों ने। आप ऐसे लाइव हैं तो इसलिए आप बोल रहे हैं। काफ़ी दिन बाद और काफ़ी महीने बाद मुझे एक दिन की छुट्टी मिली है, वो भी रक्षाबंधन की, जो कि आज ऑफिस से छुट्टी मिली थी। और मैं बुलंदशहर के जो दिल्ली रोड है वहाँ से मैं गुजर रहा था और देखा मॉल खुला हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो सन सिटी सिनेमा हॉल है वो खुल चुके हैं और जो बेल बॉटम मूवी अक्षय कुमार की मूवी, अक्सर हमने देखी है कि वो जो एक्शन मूवी ज़्यादातर अक्षय कुमार लेकर आते हैं, यहाँ लोग हैं आ रहे हैं। भैया कैसी लगी मूवी? भाई आगरा से, अलीगढ़ से भी आए हुए। तुम कहाँ से? खुर्जा से। ये सब लोग खुर्जा से आए हुए हैं। वो कैसे लगी? अक्षय कुमार तो बॉलीवुड के स्टार हैं, उनकी मूवी कैसे हिट नहीं जाएगी? हर मूवी उनकी हिट जाती है। बहुत मूवी देखी हमने उनके अंदर, मतलब एक एंग्री वाला भी होता है, कॉमेडी भी होती है, हर एक एंगल से वो काम करते हैं। सर उनका एक्शन थोड़ा अलग ही है, बॉलीवुड में उनका एक्शन पहले से ही बहुत बढ़िया रहा है, इस बार भी उन्होंने जोरदार मजा, समझ लो कि पैसे वसूल हो गए। चलिए अक्षय कुमार जी तो युवा के ऊपर छाई गए और बाकी ऊपर की रिपोर्ट देखते हैं या और भी युवा हैं। भैया मूवी कैसे लगी? बहुत जबरदस्त है, ठीक लगी? जबरदस्त लगी जी इनको, और जबरदस्त देखते हैं ऊपर क्या हाल चल रहा। आ रहे हैं मूवी देख देख कर, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। भैया कैसी मूवी लगी? मूवी बढ़िया है, बढ़िया लगी। हाँ बेहतरीन लगी। तो चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आई है? हाँ, पुरानी मतलब इन्होंने स्टोरी दिखाई है इसमें 1984 की। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अच्छी पिक्चर है। स्टोरी क्या, थोड़ा सा बताएं? मतलब स्वतंत्रता के ऊपर है ये, जो हमारा प्लान हाईजैक हो गया था 1984 में जी। तो उसके आतंकवादियों द्वारा, तो उसी पर ये मूवी दिखाई है, बहुत अच्छी है, इंदिरा गांधी के टाइम की है। अक्षय कुमार अक्सर देखते हैं मूवी, इसी तरह की मूवी लेकर आते हैं, जैसे कि अब ये वाली मूवी हो गई थी आप देख कर आए हैं, बेल बॉटम हो गई और आधी मूवी और भी मूवी हैं, शायद मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। अक्सर देखे हैं हमने मूवियाँ ऐसी ही लेकर आते हैं। हाँ तो ये जो एक तो ब्रांड एम्बेसडर हैं और इंडिया के मतलब ज़्यादातर जो स्वतंत्रता के ऊपर ही मूवी बनाते हैं, मतलब यहाँ MMR ग्रांड मॉल के अंदर यहाँ बच्चों के खेलने की चीज़ें भी हैं और यहाँ बाइक है, कार है, जिप्सी है, देखो बच्चे चला रहे हैं। तो मतलब वापस बच्चों के दिन लौटे हैं खुशी के, और काफ़ी बुलंदशहर का सबसे बड़ा यही एक सिर्फ एक मॉल है जो बना है और बाकी सब लोग इन्जॉय यहाँ करने के आते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, सब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ करके जो बाहर के लोग हैं या बुलंदशहर के लोग हैं, बुलंदशहर के आसपास के लोग हैं, वो लोग आकर यहाँ इन्जॉय करते हैं। और यहाँ कुछ गेमिंग है बच्चों के और सन सिटी सिनेमा हॉल ऊपर है। चलिए ऊपर बात करते हैं। और सन सिटी सिनेमा हॉल है, उसका जो टिकट है घर, उसके यहाँ पर आ चुके हैं। मैं मूवी देख लिया आपने? देख ली? नहीं। क्यों नहीं? अरे 2 साल बाद मूवी लगी है सन सिटी सिनेमा हॉल के अंदर, अब मूवी का मजा नहीं ले रहा? भैया क्या अगर टिकट नहीं लिया क्या? नहीं, ऐसे घूमने ही आए थे। घूमने के लिए आए थे, मूवी नहीं देखी? नहीं। चलिए ठीक है। ये बॉक्स ऑफिस है टिकट घर, और एक ही मूवी इसके अंदर अभी शो कर रही है ना, शोविंग बेल बॉटम मूवी। और यहाँ टिकट भी ले रहे हैं और मैम यहाँ पर हैं, मूवी का मज़ा लेना ही है। मैम क्या आपने मूवी के अंदर कुछ देखा, ट्रेलर वगैरह? अभी एक्चुअल मैं तो डायरेक्ट मूवी ही देखने आई हूँ। नहीं कुछ ट्रेलर वगैरह देखा हो, या अक्षय कुमार जी की मूवी है तो इसलिए आप देख रही हैं? हाँ अक्षय की मूवी है तो ये बताइए, जैसे यहाँ सन सिटी सिनेमा हॉल है और यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, या स्क्रीन कैसी है, साउंड कैसे है? साउंड बेटर है बहुत। हाँ आप कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा से हूँ। अरे लो, हरियाणा से बुलंदशहर के अंदर, यूपी बुलंदशहर के अंदर आए हैं हरियाणा से मूवी देखने के लिए। अच्छा भैया आप कहाँ से? बुलंदशहर से हैं लोग। अच्छा आप बुलंदशहर से? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी कि हरियाणा से आप लेकर आए थे? हाँ। बुलंदशहर मूवी दिखाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, कह सकते हो जी। बुलंदशहर में ऐसी क्या थी जो हरियाणा के अंदर मूवी को देखने के लिए नहीं मिला?
नहीं नहीं हरियाणा में भी काफ़ी कुछ है, बुलंदशहर में भी है। तो एक बार दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी बुलंदशहर हरियाणा से कम नहीं है, ऐसा ना कह सकते हो। अच्छा, आप क्या कहेंगे और हमारे सिल्वर सिटी के लिए? नहीं, सिल्वर सिटी अच्छा है, मैंने और भी जगह देखा है, बद्दी में भी शायद है इनका सन सिटी का, वहाँ भी है। हॉल देखते हैं हम लोग, उसके अंदर बहुत गंदगी होती है, गुटके खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसा लगा आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, बाकी मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसा स्टाफ रखते हैं और पब्लिक को कितना गाइड करते हैं, क्योंकि सब पब्लिक के ऊपर ही है, पब्लिक जितना चाहेगी साफ रख सकती है। जी जी, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। अभी आप फर्स्ट टाइम आए हैं कभी और पहले भी आ चुके हैं? रेगुलर आता रहता हूं यहां पर। हाँ, फैसिलिटीज कैसी लगी आपको? नहीं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटर है। सर अभी नहीं देखी अभी मूवी, अभी मेरा 450 शो है अभी सर। अच्छा, वेट कर रहे हैं आप? हाँ सर। टिकट कहाँ गया? टिकट ऑनलाइन बुक किया है। अच्छा, ऑनलाइन, जहाँ ऑनलाइन भी टिकट बुक हो जाता है सन सिटी सिनेमा हॉल के अंदर। जी सर। अक्षय कुमार की मूवी आपको कैसी लगती है? सर मेरे तो फेवरेट अभिनेता है अक्षय कुमार। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ खड़े होने के बाद। थोड़ा आगे आ जाइए आप सहयोगी। और यहाँ मूवी कोई भी अगर आती है, जैसे कि सूर्यवंशी हो गया, बेल बॉटम हो गया, भैया क्या हाल है? एकदम बढ़िया लगता है भैया, मूवी देखे? हाँ जी बिल्कुल देखे। कैसी लगी? एकदम बढ़िया, मस्त मस्त लगी, बहुत अच्छी। भैया तो एकदम हीरो लग रहे हैं और शायद अक्षय कुमार की ही जो बराबरी है यहाँ बाहर आकर कर रहे हैं। हाँ, तो मैं अक्षय कुमार का फैन हूँ। क्या अच्छा लगा आपको? मतलब उसकी स्टोरी जो है बहुत अच्छी है, मतलब एक बायोपिक है, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब हर किसी को देखना चाहिए मूवी ये वाली। आप बताइए, अक्सर आप अक्षय कुमार की मूवी को पसंद करते हैं, देखते हैं क्या, या आप ऐसी ही थोड़ा सा आज जैसे रक्षाबंधन है टाइम पास के लिए आ गए? नहीं, आज थोड़ा सा फ्री भी थे, आज छुट्टी थी, रक्षाबंधन था तो फ्री थे तो टाइम मिल गया तो आगे अंदर जाके देखते हैं। अरे वाह, काफ़ी प्यारा है। अच्छा, यहाँ स्कैनिंग भी की जाती है, टेम्परेचर नापा जाता है। और अजी बड़ा प्यारा गैलरी है और सभी हीरोज़ और हीरोइन के पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा, क्या क्या आप इसके अंदर यूज़ करा रहे हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे? गार्ड साहब, मास्क लगवा रहे हैं, सैनिटाइजर करवा रहे हैं और टेम्परेचर नाप रहे हैं। टेम्परेचर नाप रहे हैं, सैनिटाइज की मशीन है या सैनिटाइज होता है? और सर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाता है हमारे यहाँ पे। आपका नाम क्या है? राहुल कुमार सर। जी, मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ। यहाँ पे हम पहले तो जब एंट्री करते हैं तो थर्मल स्कैनिंग होती है जी, फिर उसके बाद सैनिटाइजर करते हैं, फिर अंदर सैनिटाइजर। हाँ जी, ठीक है। फिर अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जाता है, एक सीट छोड़ के उठाया जाता है सबको जी। चलिए, अच्छी बात है कि अगर सिनेमा हॉल अगर खुल चुके हैं तो उसमें जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको जारी किया गया है, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, सन सिटी सिनेमा हॉल की जो क्वालिटी है वो लोगों ने काफ़ी अच्छी बताई, और बाहर से अंदर आने के बाद जब देखेंगे तो लगता नहीं है कि बुलंदशहर के अंदर इतना प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ LEDs लगाई गई हैं छत के अंदर और कैंटीन भी हैं, क्योंकि महामारी के लिए की तरफ अगर देखें, थोड़ा ध्यान करें तो कस्टमर थोड़ा कम है, इसी तरीके से स्टॉल थोड़े कम लगा रखे हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ जैसे लंबी लाइन लग जाती है तो उसी की वजह से यहाँ पर जो ये खड़े हुए हैं पिलर या जो भी है, मतलब यहाँ खड़े हो उसको लगाते हैं, या खाने पीने की चीज़ें लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह आदि वगैरह लेते हैं। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मूवी देखना है यार। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको, कितने सालों बाद, मतलब 2 साल बाद आपको देखने को मिल रहा है? अच्छा ही लग रहा है। एक्साइटमेंट है, आई नो, मुझे मालूम है, बट आप थोड़ा सा कुछ कहिए। अच्छा ही लग रहा है। मूवी नहीं निकलेगी अभी, स्टार्ट भैया अभी मूवी में चलाना, हमने बंद करा दिया बस। अच्छा, मैं बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको एक मौका सरकार ने दिया है, उसमें भी गाइडलाइन चालू कर दी गई है, फिर भी कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमें हाँ कुछ ओपन नया मिला है, तो काफी सालों बाद घर से बाहर निकले के अच्छा लग रहा है। अच्छा, अक्षय कुमार जी की थोड़ी सी मूवी के बारे में बताइए आप। मैंने बस उनकी एंट्री देखी है। अक्सर मूवी जैसे बतेरी मूवी ऐसी है, हॉलीडे मूवी बहुत प्यारी मूवी रही थी इनकी, वो उनकी फनी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे फेवरेट तो नहीं है, खैर लिस्ट में आते हैं फेवरेट की। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। ठीक है, तो ये इनका कहना था कि वो फनी भी आते हैं थोड़ा। यह मैम भी वेट कर रही हैं कब जो फर्स्ट था वो कब ओपन हो, कब निकले बंदे और कब हम लोग जाए। तो मैम आप मूवी देख रहे हैं? हाँ जी। और क्या क्या, ये मॉल भी देख रहे हैं जैसे मॉल खुला है? नहीं, मॉल नहीं, मैं मूवी देखने आई हूँ स्पेशली, और मूवी मेरे को इसका ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा तो मैं इसलिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तो बिलोंग कहाँ से करते हैं आप?
हम लोग खुर्जा से बिलोंग करते हैं। खुर्जा से आप देख रहे हैं इतनी दूर से? इतना दूर नहीं है भैया, मतलब 10 किलोमीटर। मतलब क्या ऐसी क्वालिटी यहाँ पर है जो आप मूवी? आज फेस्टिवल था तो हम सब लोगों ने कजिन हम सब लोग आए हुए हैं देखने के लिए। सिनेमा हॉल लगभग योगी सरकार ने खोल दिए गए हैं तो वहाँ पर भी तो होगा। काफी लॉन्ग टाइम बाद ऐसा हुआ है आफ्टर पेंडेमिक कि हम लोग यहाँ पर मूवी थिएटर में देख रहे हैं, अदरवाइज तो हम घर पर ही जो भी नेटफ्लिक्स वगैरह पे मूवीज देखते थे। तो घर में खुशी का माहौल होगा? हाँ, काफी अच्छा माहौल। अच्छा मैम आप क्या कहेंगे? हाँ हम सब फेस्टिवल पे इकट्ठे हुए हैं सारे बहन भाई, तो थोड़ा मूवी देखने के लिए आ गए बस यही। तो आप क्या कहेंगे? बस इंजॉय हो जाएगा, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो जाएगा। ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, जो फेस्टिवल था वो काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, मैंने खुद किया क्योंकि मुझे साल भर में एक छुट्टी मिलती है, शायद वो होली की मिल जाए, होली की बहुत नागे बराबर मिलती है, तो यहाँ सब लोग एंजॉय करने के लिए आए थे और वेट कर रहे हैं कि आप शो देखना है ना? हाँ जी, हमारा 7 o'clock का शो है तो हम लोग वेट कर रहे हैं, और अभी हम लोगों के कुछ ब्रदर्स लोग आने वाले हैं तो हम उनका भी वेट कर रहे हैं। ये भी भाई वगैरह है आपके साथ जो, तो आज भैया राखियाँ, भाई राखियाँ देखो, लगता है पूरी शोरूम की राखियाँ ये अपने हाथ में बांध के ले आए, और देख बहन इतनी सारी हैं भाई, हमारी तो 2 बहनें थी तो हमारे ये बन गया जी। अभी देखिएगा कितने सारे भाई हैं, इसकी सारी बहनें हैं। अच्छा बहन तो 1, 2, 3 आई थिंक 4 बहनें हैं। अच्छा वो जी कुछ मैरिड्स हैं तो वो आई नहीं है, वो अपने घर पर हैं तो उन्होंने राखी आ रही है, एक काम वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं वो नाराज हो जाए, आपने बंदवा तो ली यार, अच्छा है काफी, तो नाराज तो नहीं होने वाली वैसे। भैया अच्छी जैसे ये बांधे आपने, तो गिफ्ट में क्या क्या दिया था बहनों को? कैश भी दिया है और गिफ्ट्स भी दिए हैं, चॉकलेट्स दिए हैं। अच्छा ये भैया झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं बताना? नहीं नहीं ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, इन्होंने चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने इनको दिया है। और मूवी के टिकट्स किसने दिए? मूवी के टिकट्स भाई लोगों ने। आप ऐसे लाइव है तो इसलिए आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं भाई लोगों ने दिया है। और गिफ्ट वगैरह और क्या दिया था? पूरा आउटिंग का जितना भी रहेगा सारा कुछ भाई लोगों ने करा है। चलिए पहला त्योहार था और इस फर्स्ट त्योहार के साथ साथ जो सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन था योगी सरकार ने वो भी हटा दिया, यूपी से लॉकडाउन जो यूपी से फ्री कर दिया है, सारी बहनों के चेहरे पर जो एक जो पहले उदासी थी आज खुशहाली है। सो दर्शकों मैंने आज जो हॉलीडे पर जो अक्षय कुमार की मूवी थी बेल बॉटम वो देखी, काफ़ी अच्छी मुझे लगी। 1980 का जो प्लान हाईजैक हुआ था उसको छुड़ाने में जो एक भूमिका निभाई थी, तो उसमें किरदार जो निभाया वो अक्षय कुमार ने निभाया है मूवी देख करके, और इन लोगों को मूवी कैसी लगी सब जानकर लेंगे, जानकर रहेंगे। भाई कैसी लगी मूवी? टॉप की लगी। कैसी लगी मूवी भाई? ये तो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा कि किस तरह की लगी इनको कुछ पता नहीं। मैम कैसी लगी मूवी भाई? अच्छा आप बताएं। अच्छा पूरी फैमिली आई है। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। कैसी लगी मूवी मैम? अच्छा तो मैम मूवी कैसी? काफ़ी अच्छी मूवी सबों को लगी है और लोग आने पर। भाई कैसी लगी मुझे? अच्छा आप सो मैं आपको बता दूं जो 1980 में प्लेन हाईजैक हुआ था भाई। अच्छा कैसे लगी मूवी? अब आ गया मूवी ठीक है, अच्छी है, अच्छी लगी ना? मैंने मूवी ठीक है, अच्छी लगी ना मूवी? अच्छी लगी। इट वाज अ ग्रेट मूवी। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो ठीक है आज के लिए इतना ही। आज दर्शकों ने मूवी को काफ़ी अच्छा बताया और हम भी इसका लाभ जरूर उठाएंगे क्योंकि आज छुट्टी हमें मिली है, तो सनसिटी सिनेमा हॉल के अंदर आप आएँ और देखें अक्षय कुमार जी की मूवी, काफ़ी अच्छी लोगों ने बताई। सहयोगी मोहित लोधी के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात बुलंदशहर।